हेलो है ना सब। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कल, मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर दो बताया था कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जब व्हेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट आर गिवन, मतलब जब हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट आर गिवन, कि जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी दे रखा हो रिसीव पेमेंट अकाउंट भी दे रखा हो, तो उसकी हेल्प से हमें क्या बनानी थी, बैलेंस शीट। और मैंने बताया था इसमें दो बैलेंस शीट बना सकते हैं, एक तो ओपनिंग और दूसरी क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो वो तो कैपिटल फंड के लिए बनाएंगे, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे थे वो बताया था मैंने कि सो द फाइनेंशियल पोजीशन। तो अब देखो इसमें जब आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी दे रखा है और रिसीविंग पेमेंट भी दे रखा है, तो हम बता रहे थे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था कि कुछ आइटम इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो दोनों नीचे के दिखाते हैं, इसमें ओनली एक ही नीचे के दिखा रहे हैं। इसमें जो आइटम आ रहे हैं और जो इसमें नहीं आ रहे वो कैपिटल नेचर का हो गया, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो असेट साइड में जाएगा, और कैपिटल रिसीव्ड है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। और इसमें जो आइटम है और इसमें नहीं है तो देखना पड़ेगा कि भैया वो आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है या आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंसेस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज में, इनकम असेट साइड में जाएगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैं एक चीज लिखा रहा हूँ, तो लिखो जैसे अपन इनकम की बात करते हैं तो इनकम दो सिचुएशन आती है इनकम में, या तो एक्रूड आएगी, एक्रूड इनकम, या फिर हम क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, एक ही बात है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि हमने लिखा एक्रूड इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम, और फिर हमने क्या लिखा इनकम ड्यू तो हो रही है बट नॉट रिसीव्ड, और ये अपना क्या होता है अनर्ड इनकम, अनर्ड इनकम। या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट ड्यू, तो अनर्ड इनकम हो गई। या फिर हम क्या लिख सकते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट ड्यू। तो देखो एक चीज देखो, ये होती है एक्रूड इनकम। एक्रूड का बताया था मैंने कि कई बार कुछ इनकम ऐसी होती है जो कमा तो ली गई लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो मतलब ये प्राप्त होने योग्य। तो जब तक हमको इनकम प्राप्त नहीं होगी तब तक ये कहां जाएगी भाई, ये एक्रूड इनकम क्यों हो रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब अपन फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो फाइनल ईयर के एंड में पता चला कि हमारे को इस साल 5000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, उसमें से 2000 ही मिला है, अभी भी 3000 बाकी है, तो वो आपकी इनकम है नहीं है। तो उस केस में उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। तो बैलेंस शीट बनाते समय इसको कहाँ दिखाएंगे हम, असेट साइड में। तो हम क्या लिख रहे हैं कि अगर कोई एक्रूड इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं इनकम ड्यू तो हुई बट नॉट रिसीव्ड, तो हम क्या करेंगे सॉन इन बैलेंस शीट ऑफ असेट साइड एज करंट असेट्स के रूप में, किसके रूप में दिखाएंगे करंट असेट्स के रूप में। और अनर्ड इनकम है मतलब इनकम हमको किसके रूप में मिल रही है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब आपको जो इनकम मिल रही है वो एडवांस में मिली, और जब तक इनकम एडवांस में मिलेगी तो उसको हम क्या करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे एज करंट लायबिलिटीज के रूप में। तो इसका मतलब इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे एज करंट लायबिलिटीज के रूप में, क्योंकि ये कौन सी इनकम है अनर्ड इनकम, मतलब जो इनकम आपने कमाई नहीं वो प्राप्त हो गई, मतलब ये इनकम आने वाले ईयर की थी, और जब आने वाले ईयर की थी हमको पहले ही प्राप्त हो गई, तो ये हमारा दायित्व बना नहीं बना, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से कोई पैसा एडवांस में ले लेंगे तो अगर हम उसका काम नहीं कर रहे तो जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी, इसलिए एडवांस इनकम को हम कहाँ दिखाते हैं करंट लायबिलिटीज में। बता लिया इसको,
अब अपन बात करेंगे किसकी, एक्सपेंसेस की। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लाइक सैलरी हो गई, रेंट हो गया, ईटीसी। तो देखो इसमें एक्सपेंसेस भी क्या हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। मतलब एक्सपेंसेस ड्यू तो रहे बट नॉट पेड, लेकिन अभी तक क्या नहीं किया है, चुकाया नहीं है ना, और जब तक नहीं चुकाया है तब तक वो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगी, कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। एक तरीके से इसको क्या करेंगे अपन, सॉन इन या लायबिलिटीज, लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटी। तो देखो इसको लायबिलिटी साइड में क्यों दिखा रहे हैं बैलेंस शीट की। आज मान लो किसी व्यक्ति को हमें पैसा देना है, हमने उसको पैसा नहीं दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बन गई ना, जब तक हम उसको पैसा नहीं देंगे तब तक क्या बनेगी, जिम्मेदारी। उसी तरह क्या होता है बिजनेस में, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हो तो गए लेकिन जिसका अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। जैसे मान लो हमारे पास बिजली का बिल आ गया, अब बिजली यूज कर ली तो बिजली का बिल आना ही है, और हमने अभी तक बिजली का बिल नहीं पे किया, तो हम क्या लिखेंगे कि अभी तक आउटस्टैंडिंग है फॉर किसका, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का। तो जब तक पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये पता कब चल रहा है, ईयर एंड में। ईयर एंड का मतलब जब अपन फाइनेंशियल ईयर बना रहे थे, तो फाइनल अकाउंट जब बना रहे थे, तो उस समय पता चला कि अभी तक हमने बिजली का बिल पे नहीं किया, तो ये आपकी लायबिलिटी बन गई। और ये कौन सी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। उसी तरह क्या होता है प्रीपेड, प्रीपेड क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, जिसका मतलब होता है कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बट ड्यू इन फ्यूचर। तो प्रीपेड का मतलब हो गया, प्री का मतलब पहले से चुकाए गए खर्चे, मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बट ड्यू इन फ्यूचर, मतलब जो ड्यू किस में होंगे, फ्यूचर में होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉन इन असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट एज करंट असेट्स। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, सॉन इन असेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट एज करंट असेट्स। इसको करंट असेट्स के रूप में क्यों दिखा रहे हैं, करंट असेट्स के रूप में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे खर्चे जो आने वाले ईयर के थे पहले ही चुका दिए। जैसे मान लो हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हमने मकान मालिक को साल भर का किराया दे दिया, अब हमारा राइट्स है कि साल भर तक उस मकान में बिना संचोक के, बिना संगोच, क्या बोलते हैं उसको, कि बिना संचोक, बिना उसके रह सकते, बिना टेंशन के, क्योंकि हमने मकान मालिक को एडवांस पैसा दिया। तो जब तक 12 महीने पूरे नहीं होंगे तब तक हम क्या नहीं करेंगे, मकान खाली नहीं करेंगे। तो हमारा अधिकार बन गया, नहीं बन गया। तो उसी तरह क्या होता है बिजनेस में, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आने वाले ईयर के थे, आपने करंट ईयर में ही पे कर दिए, तो उसका बेनिफिट तो आपको फ्यूचर में मिलेगा, और आपने पेमेंट पहले ही कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उसको फिर हम करंट असेट्स में दिखाएंगे। हाँ, इनकम एडवांस मिलती है तो लायबिलिटी में, और खर्चे अगर आप एडवांस पे करते तो कहाँ दिखाएंगे, असेट्स साइड में दिखाएंगे। आगे बात समझ में आ गई। तो देखो अपन एक कंसल्ट करेंगे फटाफट, देखो अनसोल्ड सोलवा निकालो, पेज नंबर है 339 में, छोटे क्वेश्चंस के अंदर। निकाल लिया, देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है, रिसीप्ट पेमेंट दे रखा है, और ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, मतलब इसमें ओपनिंग दे रखी है, और आपको ओनली क्या बनानी है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग बनानी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहां पर हम लिख रहे हैं बैलेंस शीट, अब इसमें क्लोजिंग वर्ड नहीं लिखना है, ध्यान रखना अपन क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो क्लोजिंग वर्ड्स नहीं लिखेंगे,
यहां पे डेट से पता चल जाएगा कि एज ऑन 31 मार्च 2017 को बना रहे हैं। तो ये कौन सी बैलेंस शीट है? क्लोजिंग। अब देखो इसमें वही दो साइड आएगी, लायबिलिटीज साइड अमाउंट, असेट्स ऑफ अमाउंट। देखो एग्जाम में अगर कुछ नहीं आ रहा तो कम से कम जो कह रहा है वो तो कर सकते हैं अपन, अपन को ये तो पता है कि कौन सा फॉर्मेट कैसे बनाना है। अब कुछ नहीं कह रहा तो फॉर्मेट तो बना ही सकते हैं, फॉर्मेट के आधा नंबर मिलेगा। तो अब देखो इसने ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है तो इसका मतलब कैपिटल फंड आपके पास गिवन है कितना, 25,000। तो हम क्या लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, सबसे पहले कैपिटल फंड कितना, 25,000। और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल फंड में क्या ऐड करते हैं, जब हम इनकम टैक्स फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो इनकम टैक्स फर्नीचर अकाउंट से जो भी सरप्लस या डिफेक्ट आएगा वो कैपिटल फंड में प्लस और माइनस होगा। तो हमने फोकस किया इनकम टैक्स फर्नीचर अकाउंट में, तो इनकम टैक्स फर्नीचर अकाउंट में पता चल रहा है कि हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा थी, कितनी, 5,000। तो इसका मतलब प्लस क्या करेंगे इसमें, सरप्लस कितना, 5, और ये कितना हो जाएगा, 30,000। कोई डाउट है यहां तक? ये सरप्लस कहां से आ रहा है, ये सरप्लस इनकम टैक्स फर्नीचर से आ रहा है जो क्या बता रहा है कि एक्सेस ऑफ इनकम आवर एक्स फर्नीचर, कि मतलब हमारी इनकम ज्यादा है किससे, खर्चों से। तो हमारे पास सरप्लस आ रहा है कितना, 5,000, तो जोड़ने के बाद 30,000 हो गया। अब देखो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स कितने की थी, 20,000 की, कैश एंड था, लेकिन ये तो ओपनिंग कैश एंड है। और मैंने आपको बताया था रिसीव पेमेंट अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के कैश एंड को बताता है, तो रिसीव पेमेंट अकाउंट पे फोकस करो, उसमें बैलेंस शीट लिखा हुआ है 8,000 है, तो उसका मतलब ये क्लोजिंग कैश एंड आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन, कैश इन हैंड कितना, 8,000। आ रही बात? अब मदे ढूंढते जाओ लिखते जाओ। तो सबसे पहले रिसीव पेमेंट को फोकस करो, रिसीव पेमेंट में टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ था, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ओपनिंग कैश बैलेंस है और ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट में आते हैं। अब सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव पेमेंट अकाउंट में कितना दे रखे हैं, 20,000, और इनकम टैक्स फर्नीचर अकाउंट में भी कितने हैं, 20,000। देखो अगर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में 20,000 है और इनकम टैक्स फर्नीचर अकाउंट में ज्यादा होता और अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता तो हम ये मान लेते कि भैया इस साल इतने रुपए का चंदा बकाया होगा, तब तो हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ नहीं कह रहा कि लास्ट ईयर का कितना बकाया था या लास्ट ईयर में हमने कितना एडवांस लिया था, तो इसका मतलब इस साल मिलना भी 20,000 चाहिए था और मिला भी कितना, 20,000। तो सब्सक्रिप्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेल फ्रॉम असेट्स, इसको बाद में देखते हैं। असेट्स को बेचने से इनकम, मतलब हमारे पास जो ओपनिंग में 20,000 की असेट्स थी उसको बेचा हमने और बेचने से हमें कितने रुपए मिले, 5,000। अब एक्सपेंसेस पे फोकस करो, एक्सपेंसेस कितने की थी, 12,000, और नीचे भी कितनी आ रही है, 12, तो मतलब एक्सपेंसेस बराबर चल रही है। परचेज ऑफ असेट्स, मतलब हमने 10,000 रुपए की असेट्स परचेज की लेकिन हमने देखा कि इसमें डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, लॉस भी लग रहा है, तो हमें असेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, असेट्स अकाउंट, मतलब मेन जो कैलकुलेशन करनी है ना वो किसकी करनी है, असेट्स की। तो देखो बेटा असेट्स कैसे निकालेंगे, तो यहां पे अपन क्या बना रहे हैं, असेट्स अकाउंट। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और बैलेंस बीडी का मतलब 1/4/2016 को हमारे पास असेट्स कितने की थी, 20,000 की, कितने की थी, जैसे अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे ना, डेप्रिसिएशन का जब हमने चैप्टर पढ़ा था वहां पे जब असेट्स अकाउंट बनाते थे तो सबसे पहले जैसे ओपनिंग में इतनी थी, अब देखो रिसीव इन पेमेंट में लिखा हुआ है परचेज ऑफ असेट्स, हमने कितने की असेट्स परचेज की, 10,000 की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, इस साल कितने की परचेज करें, 10,000, बैंक का मतलब परचेज की। आ रही बात समझ में? फिर बाद में पता चला रिसीव साइड में कि हमने 5,000 रुपए वाली, 5,000 रुपए में असेट्स बेच दी, तो बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल, कितने की, 5,000 की। असेट्स बेचने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट। लेकिन हमने इनकम टैक्स फर्नीचर में देखा कि इस असेट्स पे अभी तक हमने कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, 2,000 का, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का, 2,000 का, और लॉस आ रहा है तो बाय पी एंड एल अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉस, पी एंड एल नहीं आएगा इसमें, इनकम टैक्स नहीं चाहेगा,
बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लॉस कितने का, 1000 का। तो बेटा ये तो 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो मतलब इस साल जो असेट्स है वो 30 की होनी चाहिए थी, क्योंकि ओपनिंग में 20 तो थी, 10,000 और 25 की, तो 30,000 होनी चाहिए। लेकिन पता चल रहा है कि इनमें से हमने 5,000 की असेट्स को बेची थी और अभी तक उन पर डेप्रिशन कितना चार्ज हो गया, 2,000। लेकिन बेचने से लॉस भी तो हो रहे हैं, 1,000 का क्या हो रहा है, लॉस। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा और प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। एंट्री होती थी ना, लॉस होने पर क्या एंट्री होती है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डियर टू असेट्स अकाउंट या पीएनएल अकाउंट। अब पीएनएल तो बना नहीं रहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे, तो यहां पे बाय क्या लिख देंगे, आप बाय बैलेंस सीडी। तो 30 है तो 30 में से कितने गए, 8, तो कितना आ जाएगा, 22,000। तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे 31/3/2017 को असेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा, 22,000। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, असेट्स कितने की, 22,000 की। तो इधर का टोटल भी 30 और इधर का टोटल भी कितना आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, बन गई बैलेंस शीट। मेन फोकस आपको किस पे करना था, असेट्स अकाउंट पे। आगे क्या समझ में, देखो ये कॉन्सेप्ट जब हमने आपको 11th क्लास में डेप्रिसिएशन सिखाया था ना, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि देखो कैसे था, ओपनिंग में कितनी असेट्स थी, 20,000 की, इस साल और कितनी खरीदी, 10। तो आपके पास टोटल असेट्स कितने कितनी की होनी चाहिए थी, 30,000 की होनी चाहिए थी। लेकिन पता चल रहा है कि उस असेट्स में से हमने 5,000 रुपये की असेट्स बेची थी, तो जब 30 में से 5 गए, 30 में से कितने गए, 5, तो आपके पास असेट्स कितने की होनी चाहिए थी, 25,000 की। लेकिन पता चल रहा है कि इन असेट्स पे अभी तक हमने कितने रुपए का डेप्रिशन चार्ज किया, क्योंकि इन्होंने डेप्रिशिएशन की डेफिनेशन नहीं दी प्रॉपर कि भाई कितना रेट से लगा रहे हैं। ये खुद ही बता रहे हैं कि क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डेप्रिशिएशन आएगा वो कौन सी ईयर का आएगा, करंट ईयर का। तो करंट ईयर में हमने कितना डेप्रिशिएशन चार्ज किया, 2,000 रुपए। कितना चार्ज कर रहे हैं, 2,000। तो जब हम करंट ईयर में 2,000 रुपए का डेप्रिशिएशन चार्ज करें और लॉस कितना हो रहा है, 1,000, तो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 22,000 बचेगा। कितना बचेगा, 22,000। और लॉस क्यों हो रहा है, सीधी सी बात है, लॉस तभी होगा कि जैसे मान लो कोई असेट्स 6,000 की होगी, असेट्स की WD वैल्यू, और आपने उसको सोल्ड कितने में कर दिया, 5 में, तो 1,000 का क्या हो गया, लॉस। और लॉस हमेशा कहाँ दिखाते हैं, मैंने क्रेडिट साइड में, असेट्स अकाउंट में, क्योंकि ये असेट्स की वैल्यू को कम कर रहा है। आगे बात समझ में आ गई, तो देखो बिना असेट्स अकाउंट बनाए भी कर सकते थे इसको। देखो एक बार समझो, तो यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं, वर्किंग नोट बनाएंगे, एक और वर्किंग नोट बनाओ। तो वर्किंग नोट में क्या लिख रहे हैं कि कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग असेट्स। तो क्लोजिंग असेट्स की वैल्यू की गणना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। तो हम क्या लिख रहे हैं, हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था 1/4/2016 को, वो कितने का था, 20,000 का। फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस परचेज ऑफ असेट्स 10,000। अब आपके पास वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 30,000, लेकिन इसमें से माइनस क्या करेंगे, सेल ऑफ असेट्स। असेट्स को हमने कितने रुपए में बेचा, 5,000 रुपये में। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना होना चाहिए था, भाई मैं कह रहा हूँ कि 20 पहले था, 10 खरीदा तो 30 की होनी चाहिए थी, लेकिन पता चल रहा है कि 30,000 में से 5,000 रुपये की असेट्स बेच दी, 5,000 रुपये की। अब इसमें कह नहीं रहा ना कि कितने रुपये वाली असेट्स बेची, तब तो उसको अमाउंट लेस कर देते, अब 5,000 की असेट्स बेची और इन पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ अभी तक, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो कितना हो रहा है, 2,000। तो कीमत कितनी होनी चाहिए थी, 23,000, लेकिन बेचने से क्या हो रहा है, लॉस। तो क्या लिख देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 1,000, उसका मतलब 22,000 हो गया। और अगर आपको ये चाहिए था कि जो असेट्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी,
तो जैसे अपन निकाले कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन द डब्ल्यू डी वैल्यू ऑफ असेट्स सोल्ड, मतलब जो असेट्स सोल्ड की उसकी डब्ल्यू डी वैल्यू क्या है, तब तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल ऑफ असेट्स कितने लाख की थी, 5,000 की, इसमें प्लस करना पड़ेगा लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, क्योंकि लॉस कब होगा, जो उसकी डब्ल्यू डी वैल्यू से कम पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 1,000, तो 6,000 रुपये की, 6,000 रुपये की कॉस्ट, या जिस समय हम सेल कर रहे हैं, जिस समय सेल कर रहे हैं तो उस समय उसकी डब्ल्यू डी का मतलब उसकी कॉस्ट की वैल्यू कितनी चल रही थी, 6,000। आप ये नहीं करके ये भी लेस कर सकते हो, तब ये लॉस लिखने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि इतना ओपनिंग था, इतना परचेज किया, तो 30,000 हो गई। इसमें से अगर आप ये लिखते हो, ये कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जिस असेट्स को बेचा था उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट का मतलब जिस समय बेच रहे थे उस समय उसकी वैल्यू कितनी चल रही थी, 6,000। तो हमने तो इन दोनों चीज को लेस किया, अगर प्रॉफिट होता तो हम ऐड करते ना, लेकिन जब हमने इन दोनों चीज को लेस किया, तो अगर हम लेस नहीं करते, अगर डायरेक्ट ये 6,000 भी लेस करते तब भी एक ही बात है, तब तो हम क्या लिखेंगे कि लेस सेल ऑफ असेट्स ऑफ डब्ल्यू डी वैल्यू, कि जिस असेट्स को बेचे उसकी वैल्यू कितनी चली थी, 6,000 रुपये। फिर लास्ट में डेप्रिशिएशन चार्ज करते तो आपके पास कौन सा बैलेंस आ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। कैसे भी कर सकते हो, बहुत ईजी टॉपिक है ये।